समझो ठीक है जिंदगी भाई या यार रोज ही मजा करनी है किसे जिंदगी ठीक है। आई होप सो कि मैं ना कहना बड़े आराम से होना इस लकड़ी है बारिश और बर्फ मिक्स लगी हुई है इतना लस डन्ना इस जगह ना ना इस साइड जनाब वाला फुल बारिश पकी हुई है था इधर सारी ताजा ताजा चाय भी बननी है ऐसा साइड तक ने उसो तूदे ने तूदे जमे हुए बर्फ है ने कुछ बर्फ गली की है लेकिन आज अस्सलाम वालेकुम जी उम्मीद करना सा सारे वालो सो मैं इरफान जफर तुसा तक रहे हो कश्मीर टीवी जनाब वाला आज ना जा सारा बड़ा खूबसूरत सफर फॉरवर्ड कोटा तो सा काफी ज्यादा है गलिकड़ी आया आए ऐसा जय ने बाग बाग जुली के तुसा की बाग शहर ना भी व्यू करवा सा लेकिन जा सारा ये सफर हो सी इसने दरमियान जड़ियां दो त्रै जगह सन वो भी दस सा इसलिए तुसा अगर तक कोई थू तक कितना खूबसूरत नजारा इस जगह ने मैं ना नहीं पता लेकिन फॉरवर्ड कोटा पलंगी इन जगह तो एक काफी अग्गे वाला डन्ना ने एक कोल है लेकिन अक्सर मैं पहली दूसरी नहीं किताबा ने बेची है जे फोटो तकना होना सा निके होने वाले मैं स्मॉल बेबी होना सा क्यूट जिया तो उले ये कार तकी ना सी इस तरह ने और आज मैं यकीन नहीं होना अपनी अखा पर के रियल च मैं पहाड़ा ने बिच निके निके ये कार इतू दूरू दिसन पे जेडे ते तकन लगे हाँ माशाला क्या खूबसूरती है साढ़े कश्मीर ने क्या नज़ारे ने यकीन करो रूह तक कैसा ना इतना अच्छी कहना तो सुकून ने बेच है तो जुलो तो साढ़े नाल तको बाग तक असा किसा पुजने तो बाग तक इंशाला तुम अपना सफर दसने लो जी माशाला तको कुदरती तौर पर चश्मा छोटा जहा चश्मा तो मैं क्या थोड़ा पानी पी के ना क्योंकि इस वेल रूम चो निकलने पानी जड़ा ना एक कोनी पीता उतो तो तको हाँ क्या ही खूबसूरत चश्मा आई रहा अपरू पहाड़ा ने निका जहा चश्मा खास गल दसा इन्हें च हजारा बीमारियां शफा ये मुख्तलिफ जड़ी बूटिया ने विचों पानी हो बंद तक पुजना और फिर बंदे पीने ता ही इतना ज्यादातर बंद नहीं नशे तंदुरुस्त बंदे न चाहे को बजुर्ग है चाहे को बड़ा मैं तकिया वै कि ओवरऑल इतना बहुत घट बीमारियां वो इं वजह कि देसी खुराक नैचुरल पानी तक आ ही रहा वै माशाला एक जगह सा खली गया सा बकरियां तकियां ता जिथा सा बकरियां तकी जी ना उठा वैसा ही मैं जाम हो जा मारो बकरो लव जो रे आई रे ने चाचा और यूना ना भी थोड़ी गुफ्तगू करने हैं माशाला जा ता तको हाँ पर डामी बकरियां कैड के सोनी बकरी है तको हाँ माशाला अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है आप को और सुनाओ से ठीक है करिए तो कितनी बकरियां रखिया ने बकरी है अच्छा इतने मकामी हो मकामी पक्के अच्छा तो शुरू तू बकरियां ही रखियां ने या शुरू तू बकरियां जिम्मेदारी काम ही करना लेकिन बकरियां रख के बकरियां बकरवा ना ठीक 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 माशाल्लाह जी इन्होंने सो गुफ्तगू सुनी है काफी बंदियां ने औरा ना मैं गल कीती है तार बंदा ये होना के महंगाई नहीं वजह तू परेशान है पेट पालना है पेट रोटी तो कोई बाकी जिंदगी सुकून वाली है यानी के बाकी सुकून है लेकिन पेट पालना मुश्किल मुश्किल बन गया इस महंगाई नहीं वजह महंगाई नहीं वजह तू तको जी माशाल्लाह जिंदगी खूबसूरत है इस गले कोई शक नहीं सोने कार सोना मौसम नजारे लेकिन महंगाई महंगाई ना महंगाई इतनी ज्यादा हो गया कि बहुत हार्ड हो गया आवाम वास्ते मुश्किल हो गया तो चलो इसका तो सफर आसाना जारी है माशाल्लाह जी असान सफर जारी है इसलिए असा महमूद गली पुजे हाँ तो इतना असा सोचा कि नाश्ता कर सा ताकि बिल्कुल दो त्रिया दिहाड़े तो असा ना कुछ सही खाधा सफर नहीं वजह तो ताज हूँ इतना बह के असा नाश्ता कर सा बड़े सोहने नजारे भी तो वह तुम कि दसने आई गया वह तको हाँ अंडे फ्राई उस तो बाद नाल इसलै असा आख्या के रोटी चलसी ठीक है उस तो बाद नाल साड़ी जनावे वाला पंजीरी ते मैं ना क्या ही इसलै पुरसकून व्यू है कैमरा मैन सारा मंजर दसो नाल इधरों बारिश आई की है ते इत्थै नाश्ता कर रहे रह जा सुकून है ना मैं ना उसने बारे च अल्फाज दिखाने जनावे वाला लो जी जनाब शदीद किस्म की बारिश भी लगी हुई है क्या ही बात है असा कोई बंदोबस्त भी कौनी ए बारिश नहीं बर्फ बर्फ लेनी है अभी स्नोफॉल लगी भी है जनाबे वाला असा इसलिए लास्ट करना बोला पुजे नहीं तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है
माशाल्लाह जी बारिश और बर्फ मिक्स लगी हुई है इत्थे अल्लस डन्ना इस जगह ना ना क्या क्या फॉरवर्ड होटल साडू जा रहे हैं बाग दर साडी फाइनल डेस्टिनेशन बाग उसी लेकिन इत्थे रुकी दस ना सा तको कितनी प्यारी स्नोफॉल है स्टिल हाले इत्थे मौजूद है और हुण अज भी स्नोफॉल होने ने इत्थे ज्यादा चांस हन ए तकने उस सामने जेड़े पहाड़ ने इत्थे शदीद बारिश और स्नोफॉल जेड़ी ने मिक्स लगी हुई है इसलिए बारिश काफी गड़ 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 करनी है तो इधर भी ये तको बर्फू ने जनावे वाला लेप लगे हुए ये रोड जानी है अगे पता नहीं केड़ी साइड ना लो जी जनाब तकने उस रोडा ने अगे पिछे किस तरह बर्फ पई हुई है तो मैं तो वकास साहब कोशिश कर रहे हैं कि असा बर्फू को बची जाओ तो बारिश भी बहुत शदीद हथ समझो साढ़े फ्रीज हो गए ऐ तको जनावे वाला वीडियो बनाना डिस्कवर करना कश्मीर की कोई सौखी जी गल नहीं तो चलो अल्लाह ताला ने जात असें ही कीमत मौका दिते है ते भी रब ने जात ना बड़ा करम है असा पर वरना असा इस काबल कदू हाँ रोडा ने दवा साइड तकने उस तूदे ने तूदे जमे हुए बर्फे ने कुछ बर्फ गली गई है लेकिन आज भी इतना नवी बर्फ पैने ने चांस हैं बारिशा नाल ही ना बर्फ भी हो सकना इतना स्टार्ट हो जाए तको हाँ ये हूँ ही बर्फ सड़क पर हटाई ने ताकि जेडे ना टूरिस्ट इधर अच्छे फिरने तुरने तो उन्हें कोई मसला ना आवे अपना सफर तो जारी है लेकिन इतना रुकी गए एक जगह थोड़े थले क्या शदीद किस्म की जरा ना बारिश आई इस साइड जनाब वाला फुल बारिश भखी हुई है इधर साड़ी ताजा ताजा चाह भी बननी है ए तको गर्मा गर्म साड़ी चाह क्या रौनक है माशाल्लाह कश्मीर नी साड़े नी इधर जरा बारिशा ने व्यू भी कराओ जी नार शेर अली खान जगह नाम है क्या ना नार शेर अली खान इस जगह ना जनाब नार शेर अली खान इधर तक हाँ अग्नि ना भी पूरा बंदोबस्त है ऐ तको आय हाय हाय क्या बात है जी देसी स्टाइल नहीं आगे हाथ तो पता रहना खून भी जमी गया हमारे हाथ था ना माशाल्लाह जी बारिश अपने एरिया चो असा निकले हाँ थोड़ी जी हूँ मौसम साफ है इधर तो हूँ असा कोशिश है कि बाग पूजी जुड़ा और बाग सिटी ने व्यू करवा माशाल्लाह तको कितना खूबसूरत नजारा वे तकने उसो कितना ही प्यारा मौसम है और कितने सोने घर तकने वो बनते हुए क्या ही बात है माशाल्लाह लो जी तकने हो गया दरिया ही क्या निकाह जहा कल इतना मैं ठेही पिया सा स्कूटर पार कर रहे हो लेकिन आज आई होप सो कि मैं ना ठेना बड़े आराम से होना चले माशाल्लाह तको कितनी खूबसूरत मस्जिद है बाग तो थोड़ा जा पहले ने मस्जिद है छिड़ी है माशाल्लाह जी बाग शहर ने बिल्कुल असा नजदीक है यानी कि हूँ इसने इर्द गिर्द असा कोशिश कर रहे हैं चीजा जड़िया तुसा की दसा ए चक्की तको ए बंद है लेकिन ये भी पानिया चलने चक्की तको इसने नाल कितने खूबसूरत अंदाज च पानी आ ही रहा वै तकने हो कैमरा मैन थोड़े अगे अच्छो तको इसने भी थलू किस तरह पानी जनावे वाला इसने अंदरू हो क्या ला ही ना वै तो इसलिए था कोई बंदा नहीं मौजूद नहीं तुझ से इतना सार आ कितना खूबसूरत तको पानी आ ही रहा वै इसलिए इसने अगे पिछे माशाल्लाह जी ये बाग आजाद कश्मीर ना स्टेडियम है तकने उस दरिया ने किनारा बड़ा ही खूबसूरत एक स्टेडियम है और बहुत बड़ा है माशाल्लाह क्या ही खूबसूरती है इसे माशाल्लाह जी असा बाग दाखिल हो या शहर विच दाखिल तै एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद तको क्या ही बात है बड़ा ही खूबसूरत अल्लाह ने कार डिजाइन किया गया और बिल्कुल दरिया ने कोने ने अपने मस्जिद की बनाया गया क्या सारा इस तू बाजार है जड़ा ओ भी दसा सके और बाग शहर ने बारे दसा के बाग शहर ना बाग आखिर की यहाँ पे आस तको माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है क्या ही बात है जी हूँ असा इसने बिल्कुल बाहर पुजी है यहाँ बाग शहर अच्छी है सब तू जरा पहला काम है ना ये अल्लाह ने घर तू असा शुरू कर ही रहे हैं कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है थोड़ा जहा सौ अग्गे छो अगर तको कितनी सोहनी माशाल्लाह इसने अपर डिजाइनिंग होगी इन्हें छत की अगर नज़र मारो इसकी जेड़े छत पर डिजाइन बनते हुए ना या दीवारों पर तक इस कैलियोग्राफी यानी कि हथा ने नाल बनते हैं हथा नाल पेंसिल जी चलाने ना उसने नाले को टैल नहीं लगी भी इन्होंने एक यूनीक खूबसूरती असा तको उस तो बाद नलैन मुबारक हर जगह बनते आवे जिथे इतना रोशनदान इस मस्जिद ने इधर सो तक सकने हो माशाल्लाह ये मस्जिद ना गुम्मत
ये माशाल्लाह इत्थे नी जामिया मस्जिद है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये मस्जिद है। हुण जनाब वाला असां बाजार वाली साइड जा रहे हां, जड़ा के बाजार है सारा तकने उसो गैमा गैमी जा रही है, काफी रश रश पे आवे। बाग ना बाजार है, इत्थे दो त्रै बाजार है, दो त्रै जगह तू रोडां जानियां। पहले जनाब वाला कोई बाग आए आसा तो कोई फ्रूट जड़ा ना बाग ना चेक किया जा से, फिर अगे बाकी सफर दसा जा से। सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? से ठीक है। माल्टे कितने से? खाली सेब केला, सेब केला दर्जन केला तो कोई थोड़े जे सेब चाहिए को चार एक। माशाला तकने उस बाजारा चो असा गुजरी रहे, खूबसूरत शहर आजाद कश्मीर ना अज इसकी असा डिस्कवर कर ही रहे, जिस वास्ते असा स्पेशल सोचा सी फॉरवर्ड को टाथू ही लटू रहे सके आज तो सके इस ना असा व्यू करवाना है। दुनिया अपने कम्मा की लगी हुई है जनाब, दासा भी डिस्कवरिंग इस लगे हुए हैं इस शहर की, खूबसूरत शहर की माशाला। ए सारा जरा पे तकने पे बाग शहर है, असा कोई उच्चा पॉइंट पे लौड़ने जितू जाएगा कि पूरे ने इसका व्यू करवा और नाल ही सके ये भी दसा जनाब अगर चली गए इसकी बाग शहर की आख्या जाना बाग इसका ना की आवे क्या के इसला ये जिला बाग है। माशाल्लाह तकने सो है जरा अपर टावर है, असा इस टावर ने कोल जाना इसका नाम है। इतू जाइए तो सी दसा असा पूरे बाग ना इंशाला व्यू इतो दसिए तुसा के माशाल्लाह पूरा तकने उस बाग आजाद कश्मीर शहर पे दिसन लगे इतो बैना क्या ही बात है और क्या ही खूबसूरती है। वो असा और अपर गए रहे माशाल्लाह जी, जिस वास्ते असा इतनी मेहनत की थी जिस पॉइंट पर पुजने ते आखिरकार उस पॉइंट ने अपर पुजी आया और माशाल्लाह सो तकने सो के पूरा इतू जो बाग शहर है ना ये पे क्लियर दिसन लगे आवे, बहुत ही खूबसूरत इंतहाई खूबसूरत शहर है। इसलिए सो नज़ारा तकने बाग शहर इसना ना इस वजह तू पिया सी के जिले मुगलानी हुकूमत सी उस दौरे हुकूमत इतने उन्हें बाग लवाया सी बहुत बड़ा बाग जिस पर पता नहीं कितने सौ बंदे छोड़े सन ने उसने देखभाल वास्ते। इस वजह तू इसकी बाग आजाद कश्मीर आख्या जाना वै, इसलिए आजाद कश्मीर ना मैं समझना के बहुत ही खूबसूरत और यूनिक शहर है। चार फेरिया इसने अगे पिछे पहाड़ा ना लेके रहा वै, इसलिए बारिश ना भी खूबसूरत मंजर है और इतने माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही नफीस खुश इखलाक लोग हैं। ऑल ओवर जिधर भी जासो सा कश्मीर इंशाल्लाह अच्छे इंसान मिल सन क्योंकि कश्मीर बहुत ही मेहमान नवाज लोग पाए जाने और इस बाग शहर अंदर खास करके। तो ये जनाब बाग नी वीडियो सी फॉरवर्ड भूटा लस दन्ना थू ही नहीं कहता है, फिर असा बाग शहर नहीं इस पॉइंट पर अच्छी है असा वीडियो ने एंड करने आ। मजीद इंशाल्लाह असा गंगा चोटी साइड जा रहे हैं, अगर जेड़ी वीडियो बनासा जल्द तू जल्द सा नाल इंशाल्लाह शेयर कर सा। तो अज नी वीडियो से किया जी लगी है जरूर जनाब कॉमेंट करके दस्या है, तो अगर इस बाग शहर ने बारे चोर तुसें भी मालूमत है तो मजीद वो भी कॉमेंट करके दस्या है। अल्लाह सुनने वाला है मिकी अपनी दुआ जनाब याद रखिए।